गेम ऑफ थ्रोन्स। बचपन में मैं एक कहानी देखा करता था, उसका नाम था चंद्रकांता, जिसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स से बिल्कुल मिलती जुलती है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। एक इंसान था जो खाली बैठा था, उसने सोचा कुछ तो करना है यार, कुछ करते हैं चलो। फिर एक तूफानी आइडिया के साथ उसने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाना शुरू किया। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्लॉट ना कुछ इस तरह से, एक रानी है जो बहुत हॉट है। लेकिन उसको चाहिए क्या लाइफ में, दुनिया पे राज करना है और सेक्स चाहिए, बहुत सारा सेक्स। उसके बाद एक बौना है जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन वो जानता सब है, उसे सब पता है, उसे चाहिए सिर्फ दारू दे दो भाई साहब, बस चिल है लाइफ। उसके बाद एक और रानी है जिसे खलीसी कहते हैं। और भाई साहब उससे राजवाज नहीं करना, उससे अच्छा बनना है, मतलब वो हमारे बॉलीवुड हीरो टाइप है, उससे सबका भला करना है, सब कुछ सही करना है, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है। उसके बाद एक और बंदा है जिसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, उसे समझ ही नहीं आता क्या करना है, उसको कोई बोल दिया भाई साहब इधर चलो, हाँ भाई चलो चलते हैं। उसके बाद सबसे खतरनाक एक बंदा है जिसे कहते हैं हम नाइट किंग। बंदा ऐसे हाथ उठाता है और बोलता है चलो सब चल देते हैं। और इसकी स्पेशल पावर्स क्या है पता है, ये जो है हाथ उठा के लोगों को जिंदा कर देता है, लोगों पे अटैक करते हैं खुलेआम, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये बंदा तूफान की तरह चल देता है। इन्हें खुद को नहीं पता कर क्या रहे हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं लड़ना है सबको मारना है, एकदम खूंखार टाइप, मतलब तूफानी। ये तो प्लॉट हो गया, यहाँ पे आपस में सब लड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं लेकिन बस लड़ रहे हैं। अब बताता हूँ कुछ कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो ये बंदा है, इसका नाम है ग्रे जॉय, मतलब जॉय कहीं से दिख रही है इसकी शक्ल में, खुशी नजर आ रही है तुम्हें, और बंदे का ऊपर से तो कट भी चुका है, मतलब लिटरली कट चुका है, और तुम इसे ग्रे जॉय कह रहे हो, कहां से यार कहां से। उसके बाद एक बंदा है जो बोलता है होडोर होडोर होडोर। उसके बाद एक दूसरी बंदी है जिसे कहता है शेम शेम शेम। ये बंदा है जो मर के जिंदा हो चुका है, अभी भी जिंदा है, ये सब कुछ सही है और ये लीडर होने वाला है फाइट में। उसके बाद इसकी एक बहना है जिसका नाम है आर्या स्टार्क, ये वो वाली बंदी है ना, मतलब राख चांडोस, मतलब इस बंदी ने उसके साथ इंटर्नशिप किया हुआ है, जो सिर्फ तीन नाम पूछता है, बोलता है तुम मुझे तीन नाम बताओ तीनों को मार दूंगा, मतलब मार दूंगा लिटरली। और बंदी का रिप्लाई क्या होता है सोच सकते हो, स्पीक थ्री नेम्स एंड द मैन विल डू द रेस्ट। नील नितिन मुकेश। और इतने सारे कैरेक्टर सब निकल के आ ही रहे हैं ना, तो बात करते हैं ट्विटर और गेम ऑफ थ्रोन्स में डिफरेंस क्या है पता है तुम्हें, ट्विटर में ना सिर्फ 140 कैरेक्टर्स की लिमिट है, और भाई सब कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, मतलब आरआर मार्टिन ने क्या दिमाग लगाया यार, इतने सारे कैरेक्टर्स मार दिए, मतलब तुम्हें खुद को याद है भाई सब कितने कैरेक्टर्स मार दिए तुमने, तुम्हें याद है तो कमेंट करो यार। और एक बात तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, तुम्हारी भाभी मिल गई भाई, यू डोंट ट्रस्ट मी सी दिस, बोला ना क्यूट है ये लड़की, और ज्यादा ठरकी होने की जरूरत नहीं है, वो मैरिड है ऑलरेडी। उसके बाद ये बंदा है जिसकी दाढ़ी ही औसम नहीं है, बल्कि पूरा शरीर औसम है, सब कुछ सही है, तगड़ा सा योद्धा है, हमें लगा था ये पूरे महायुद्ध का तगड़ा वाला योद्धा होने वाला है, सब कुछ जिताने वाला है, लेकिन ये भी मर चुका है, कैसे मरा पता है, बीमार होके, मतलब आर आर मार्टिन का लॉजिक तो देखो, जो बंदा तगड़ा है सही है जो युद्ध जिता सकता है तुम्हें उसको बीमार करके मार दो, क्या बात है यार। और तगड़े बंदों की बात कर ही रहे ना, तो ये बंदा भी बहुत तगड़ा है, लेकिन ये डरता किससे, आग से, और भाई साहब ये बंदा है जिसकी तलवार से आग निकलती है, मतलब देखो यार क्या चल क्या रहा है। फिर ये है जो पिछले 7 सीजन से तुम्हारी भाभी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन आज तक बता नहीं पाया कि भाई सबको प्यार हो गया है। इन सब के बाद एक सबसे अमीर बंदा है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन वो भी मर चुका है, और मरा कैसे, हंसते हुए, और मारा किसने, इस बौने ने, मतलब बौने के हाथ से मर गया हंसते हुए, क्या बात है भाई साहब। उसके बाद जो सबसे बड़ा विलन है, जो अपने आप को सबसे ताकतवर सबसे खूंखार समझता है कि मैं हूँ वेस्टरॉस, मेरा सब कुछ मैं हूँ, उस बंदे को ये तक नहीं पता कि उसका बाप कौन है, पर घंटे का किंग है तो। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये भी मर चुका है, और जो उसका बाप है पूरे 7 किंगडम में सबसे बढ़िया फाइटर है, लेकिन अब उसके पास हाथ ही नहीं है, सोना बहुत है लेकिन। और इसके अलावा इतने सारे कैरेक्टर्स कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इस वीडियो में इतना ही था फिलहाल के लिए, पसंद आ जाओ तो लाइक करके जाओ, और जल्दी सीजन 8 आ रहा है और हम उसका रिव्यू करने वाले, मतलब डेली रिव्यू करेंगे, मतलब वीकली रिव्यू करेंगे, हर एपिसोड के बाद रिव्यू करेंगे, क्या बोलते हो, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए कमेंट करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियोस आएंगी, मतलब दबा के आएंगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।